आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आए भैया, एनओसी नहीं, आप एनओसी का काम छोड़ दीजिए, आप मेरे बस्ती में मत आया कीजिए। नारेबाजी और हंगामे के बीच जनता के आक्रोश का सामना करते यह बीजेपी के विधायक। पटना के दिघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया की ऐसी फजीहत शायद पहली बार हुई हो। भीड़ के गुस्से के बीच फंसे विधायक संजीव चौरसिया को जवाब देते नहीं बन रहा था। वे बार बार भीड़ से शांत होकर बात करने की विनती कर रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा थम नहीं रहा था। ये पूरा मामला दिघा के एसटीटीआई रोड का है। ये दिघा विधानसभा का विकास है, नीतीश कुमार का जो विकास है, जो देख सकते हैं खास तौर से जो विधायक जी खुद पानी में ओड़ा में बंद होकर आ रहे हैं। दिघा विधानसभा का विकास है, बहुत स्मार्ट सिटी का यही है, स्मार्ट सिटी है, पटना का स्मार्ट सिटी है, उसमें विधायक जी है जिनके उनका देख सकते हैं कपड़े भी नटे हुए हैं। यहाँ की सड़क बनाई नहीं गई है, लिहाजा बारिश होते ही यहाँ की जनता को बाढ़ जैसे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसे में घुसाए लोगों ने शनिवार को सड़क पर उतरकर हंगामा किया। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ऐसे में विधायक जी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। आप ये बताइए, आप लोग की सेवा में आए ना ठहर जाए, सेवा तक करते करते ही लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं। ये बताइए कि आज तकलीफ कभी आए आप देखने के लिए? बहुत बार बस जी नहीं आते हैं, विनोद के यहाँ आते हैं, आप अपने कार्यकर्ता के आते हैं। हाँ नितिन नवीन रहता मित्रा तो हम लोग दुख दर्द को समझता, नवीन सुशा सिन्हा समझते थे, लेकिन आप नहीं समझे। उन्हीं का पहला फंड शत्रुघ्न सिन्हा सर जाइए, शत्रुघ्न सिन्हा 10 साल रहे, रविशंकर बाबू ठाकुर बाबू के लड़का है, उनका आज इज्जत से हम लोग नाम लेते हैं ठाकुर बाबू को। आज जो पटना के लिए जो करके गए हैं, आज तक कोई माई के लाल नेता नहीं पैदा लिया है, लेकिन रविशंकर बाबू भी कभी बस्ती का हाल देख लीजिए, क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है? बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, मुख्यमंत्री का फंड है, ये 50 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं, जनता को बेकूफ बना के अपना राजनीतिक सेकना है तो सेकते रहिए बाबू। हम यही कहा जो रहे कि हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए भैया, एनओसी का काम छोड़ दीजिए, आप मेरे बस्ती में मत आया कीजिए। कोई भी नेता हो एकदम बहिष्कार कीजिए, एकदम वोट बंद दीजिए, क्या है पार्षद साहब कभी तगड़े नहीं आए बेचारे, कई बार हम लोग जाके कहे। विधायक संजीव चौरसिया ने जल्द ही समस्या का समाधान करवाने की बात कही है। रिपब्लिका न्यूज पटना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।